और ये तो कोई नई बात नहीं है कि एनडीए अलायंस में से अभी कुछ दिन पहले ही बैठक हुई और उस बैठक का कोई परिणाम तो नहीं निकला, कोई एजेंडा भी नहीं था। खाली प्रधानमंत्री जी आए, प्रवचन दिए, श्रोताओं ने सुना और जो है बैठक ख़त्म हो गई। और ये पहला ऐसा अलायंस नहीं है एनडीए का जो बाहर हो रहा है। ये भी एक तरह से अगर दक्षिण भारत में देखा जाए तो बड़ा साथी रहा है एनडीए का, वो बाहर हुआ है। तो हमको लगता है इससे तो बहुत भारी नुकसान तो भाजपा को होगा ही। हालांकि इससे पहले भी आप देखिए शिवसेना भी पार्ट थी, वो भी बाहर हुई। जेडीयू बिहार में थी, वो भी बाहर हुई। अकाली दल जो था वो भी बाहर हुआ। तो हर जगह जो है ये साफ दिखा रहा है कि एनडीए का मतलब ही नहीं रह गया है। AIDMK ने भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए का साथ छोड़ दिया है आज, और उसके बाद ये बड़ा झटका एनडीए को लगा है तमिलनाडु में। जिस तरीके से डीएमके और कांग्रेस का गठबंधन तो पहले से था ही, लेकिन AIDMK जो है वो एनडीए में था, लेकिन उसने भी भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए का दामन छोड़ने का जो है वो निर्णय लिया। और ऐसे में इसको लेकर बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव ने तंज कसा है। जिस तरीके से पहले से इस बात को कहा जा रहा था कि इंडिया जो INDIA गठबंधन बना है वो छिन्न भिन्न होगा, लेकिन देखिए किस तरीके से जो AIDMK भारतीय जनता पार्टी से कई राजनीतिक पार्टियां जो है वो अलग हुई है। JDU की भी बात जो है तेजस्वी यादव ने करते हुए सीधे तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में भी बचाव करते हुए नजर आए हैं। नीतीश कुमार पहले जो बातें नीतीश कुमार को निकलकर सामने आ रही थी कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, इस तरह की बातें हो रही थी। तेजस्वी यादव ने यह कहा कि छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। पहले ये पूरा बयान आप सुनिए। AIDMK ने BJP से अपने तमाम रिलेशंस को तोड़ दिया है। उन्होंने रेजोल्यूशन पास करके बोला कि हम BJP के साथ नहीं रहेंगे। इस तरीके से देखते हैं सर डेवलपमेंट। हाँ, अभी डेवलपमेंट अगर ये हुआ है तो ये तो उन लोगों का मसला था, उस पर ज़्यादा कुछ तो हम नहीं कह पाएंगे। हालांकि तमिलनाडु में देखा जाए तो DMK जो है बहुत स्ट्रांग है और वहाँ ऑलरेडी कांग्रेस और DMK का जो गठबंधन है वो बहुत ही मजबूत है। और ये तो कोई नई बात नहीं है कि NDA अलायंस में से अभी कुछ दिन पहले ही बैठक हुई और उस बैठक का कोई परिणाम तो नहीं निकला, कोई एजेंडा भी नहीं था। खाली प्रधानमंत्री जी आए, प्रवचन दिए, श्रोताओं ने सुना और जो है बैठक ख़त्म हो गई। और ये पहला ऐसा अलायंस नहीं है NDA का जो बाहर हो रहा है। ये भी एक तरह से अगर दक्षिण भारत में देखा जाए तो बड़ा साथी रहा है एनडीए का, वो बाहर हुआ है। तो हमको लगता है इससे तो बहुत भारी नुकसान तो भाजपा को होगा ही। हालांकि इससे पहले भी आप देखिए शिवसेना भी पार्ट थी, वो भी बाहर हुई। JDU बिहार में थी, वो भी बाहर हुई। अकाली दल जो था वो भी बाहर हुआ। तो हर जगह जो है ये साफ दिखा रहा है कि NDA का मतलब ही नहीं रह गया है कुछ। वहाँ एक तानाशाह बैठे और दो व्यक्ति जो है देश चला रहे, उसी पे काम चल। आप लोग पर मजाक उड़ाते थे कि आपका कुनबा पहले टूटेगा, आप लोग छितर बितर हो जाएंगे। हम लोग तो भाई एकजुट हुए हैं और बिहार में हम लोगों ने सबसे पहले नीतीश जी, लालू जी, हम लोग सब लोग साथ आए, यहाँ महागठबंधन बनाया और हम लोगों ने तय किया कि देश भर में ही काम करना है। उस काम में हम लोग सफल हुए हैं। तो हम लोगों का कारवा तो बढ़ा है, बहुत अच्छी बात है कि बैठक होता रहा। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ तौर पे स्पष्ट कर ही दिया सारी बातों का। लेकिन आप जानते हैं कि BJP की ये सोची समझी साजिश है और मीडिया में भी एक जो खास वर्ग है जिनको अनपच हुआ है ये महागठबंधन देख करके और देश भर में इसके बाद जो इंडिया अलायंस बना है तो वो अनपच है। तो इस तरह का साजिश और षड्यंत्र जो है दुष्प्रचार के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के छवि को धूमिल करने के लिए ये काम किया जा रहा है, तो उसे कोई मतलब ही नहीं है। हम लोगों ने प्रण लिया है भाई, पिछले साल ही ना 9 तारीख को हम लोगों ने स्पष्ट कर दिया था 9 अगस्त को कि हम सब लोग देश भर में इकट्ठा करेंगे और भाजपा को देश के सत्ता से बाहर करेंगे। तो उस काम में हम लोग लगे हुए हैं। आज जिस तरीके से दीनदयाल जी की जयंती पे गए उसके बाद कई तरह के सवाल उठने लगे,
भाई ये राजकीय समारोह है और राजकीय समारोह में एज अ प्रोटोकॉल भी हम लोगों को जो है जाना पड़ता है। हालांकि किसी का व्यक्तिगत हम लोग विरोध नहीं करते, सबका सम्मान करते हैं, लेकिन वैचारिक सबका विचार अलग है, वैचारिक विरोध तो है ही ना भाई। अच्छा आप ये बताइए, जो गांधी जी के जो लोग हत्यारे हैं, क्या वो आज गांधी जी पर माला नहीं चढ़ाते हैं, फूल नहीं चढ़ाते हैं? उनके चेले लोग कितना गंदा भद्दा भद्दा गाली बकते हैं गांधी जी को, सांसद से लेकर के सब, लेकिन फूल तो चढ़ाया जाता है भाई। भाजपा के लिए इंडिया का तिनका तिनका चले चले।